हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आप लोग देख रहे हो, एक बोर्ड रखा है मेरे सामने और कई दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। तो आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी दिन हो गए कोई सर ने वीडियो क्यों नहीं डाली। तो उसका रीज़न यह है कि कई दिन से मेरी शायद ठीक नहीं थी, तबीयत ख़राब थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। तो चलिए, आगे से आप लोगों को वीडियो मिलेगी, मैं वीडियो डालूँगा। फिलहाल आप लोग ये बोर्ड देखिए, केवल मैं इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। होल्ड इसमें आ रहा है कि बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ज तो कर रहा है बट 40% के ऊपर नहीं बढ़ता है, यानी कि 0% से आप लगाओगे तो 40% तक तो हो जाएगा, पर उसके ऊपर फिर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फोल्ड मैंने देखा, अभी कस्टमर लेकर आया बोर्ड, उन्होंने बोला कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है ऐसे ऐसे। तो ये बोर्ड है, आपने देखा हुआ, कैरिजो, ठीक है, DSL SO, देखा हुआ आप लोगों ने, HP का बोर्ड होता है। देखिए बोर्ड को, ठीक है। तो इसका आपको एक चीज़ भी मालूम होगा कि इसका ऑटोमेटिक नेट पे अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसको रिपेयर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हो जाता है बट टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। अभी मैंने इसका फोल्ड किया नहीं है रिपेयर, अभी केवल आया है फोल्ड और मैं केवल देख रहा हूँ। तो मैंने कि पहले आप लोगों से एक बार बात कर लें, काफ़ी दिन हो गई वीडियो नहीं डाली है मैंने इस वजह से। तो बिना ऑटोमेटिक के इस बोर्ड को कैसे रिपेयर करते हैं? यही फोल्ड नहीं, काफ़ी फोल्ड और आते हैं, आपने देखा होगा ऑटोमेटिक के इशू पे होते हैं, पर होता नहीं ऑटोमेटिक, तो हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वापस कर देते हैं, ये सोचते हैं ऐसा आप लोग, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तब भी ये बोर्ड रिपेयर होगा, ठीक है। और मैं इसको बोर्ड को रिपेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल मैं अभी आप लोगों के सामने रिपेयर नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे, आगे देखिए HP है, काफ़ी बोर्ड रखे हुए हैं मेरे पास। अभी इससे पहले मुझे वो करना है और इसको समझने में मुझे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा इस वजह से, ठीक है, इसका फोल्ड समझने में टाइम लग जाएगा इस वजह से। पर मैं जब इसको रिपेयर करूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो, मैं आप लोगों के सामने रिपेयर करूँगा, अभी तो मैं कर नहीं रहा हूँ, जब भी करूँगा आप लोगों के सामने करूँगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे कि आप लोगों के लिए मदद करता रहूँ, हेल्प देता रहूँ, वैसे ही दूँगा। और आप लोगों में से किसी को फोल्ड के बारे में पूछना हो, कोई अपने कोई फोल्ड फंस गया हो किसी भी बोर्ड में, A2Z, ठीक है, कैसा भी बोर्ड हो, मैकबुक तक हो, अगर आप लोगों का कोई फोल्ड फंस गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप पे आके मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसमें आपको जवाब दे दूँगा किस तरीके से ये बोर्ड रिपेयर होते हैं, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो, HP लेना हो, एप्पल तक, अगर आप लोग कहीं अटकते हैं तो मेरे पास कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि बोर्ड कैसे रिपेयर होगा और क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ठीक है, आप लोग वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया हो तो, और मैं आपको भी काफ़ी हेल्प करूँगा, ठीक है, काफ़ी ही ज़्यादा हेल्प करूँगा। चलिए, ओके।